हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन क्या पढ़ चुके हैं, डी ब्रोगली परिकल्पना क्या होती है और उसकी सहायता से अपन द्रव्य तरंग क्या होती है वो पढ़ चुके हैं, और किसी भी द्रव्य तरंग है उसकी तरंग दैर्ध्य किस तरीके से परिभाषित होती है, इतना अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन देखेंगे विभिन्न प्रकार के द्रव्य तरंगों से संबंधित द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य, यानी आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, प्रोटॉन है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, न्यूट्रॉन है या कोई भी गैस कण है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, या किस सूत्र की सहायता से निकाली जाती है, वो आज अपन देखेंगे। तो देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन ये पढ़ चुके हैं कि किसी गतिशील कण से संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य, और इसके लिए अपन सूत्र निकाल चुके हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, या इसी को अपन एच अपॉन में पी वी लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसी सूत्र को मान लो आप इसको सूत्र नंबर एक दे दो, समीकरण नंबर एक। अब इसी सूत्र को अपन क्या कर रहे हैं, अलग अलग रूपों में निरूपित कर रहे हैं। तो आपका पहला ए पार्ट है गतिज ऊर्जा के रूप में। तो अगर आप गतिज ऊर्जा के रूप में बात करना चाहते हो तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप तरंग दैर्ध्य को किस रूप में निकालना चाह रहे हो, गतिज ऊर्जा के रूप में निकालना चाह रहे हो। तो अपन जानते हैं कि आपकी जो के ई काइनेटिक एनर्जी है वो होता है आपका 1/2 एम वी स्क्वायर। अब देखो आपको यहाँ क्या चाहिए, पी की वैल्यू चाहिए, और पी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस इक्वेशन को ऊपर भी एम से और नीचे भी एम से मल्टीप्लाई किया। अब ये मल्टीप्लाई करने का मीनिंग आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये मल्टीप्लाई करने पे आपके पास यहाँ हो गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2m, या इसी को अपन एम वी का स्क्वायर अपॉन 2m, ये आपका हो गया पी स्क्वायर अपॉन में 2m। और बच्चों आप यहां से ये कह सकते हो कि सर यहां से जो पी की वैल्यू निकल कर आई ये आपका 2m के ई के इक्वल निकल कर आई। तो बच्चों आपको यहां से याद रखना है ये होता है आपका संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध। अब देखो ये पी की वैल्यू अगर आप उस इक्वेशन में पुट करते हो तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका निकल कर आता है एच अपॉन में अंडर रूट 2 m k e। बच्चों ये आपका जो सूत्र आया है ये सूत्र किसके रूप में आया है, गतिज ऊर्जा के रूप में। अब देखो यहां से आपके पास बच्चों दो पॉइंट निकल कर आएंगे। पहला पॉइंट आएगा एक समान द्रव्यमान के कणों के लिए। बच्चों क्या मीनिंग हुआ इस लाइन का, इस लाइन का मीनिंग यह हुआ कि आपका जो एम है उसको अगर नियत रखें तो आपका जो लैम्डा है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अंडर रूट के ई के आपका। देखो बच्चों, या आपने इस एम को नियत किया, टू आपका पहले से नियत है, एच आपका नियतांक है, तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो गया के ई के। दूसरा आप कह सकते हो कि एक समान
गतिज ऊर्जा के कणों के लिए। अब बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो के ई है वो आपका किसके बराबर है, नियत, और के ई बराबर नियत रखोगे तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती आ गया यहां से अंडर रूट एम के। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, अगर वी को नियत रखते हैं तब तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती होता है एम के, और अगर गतिज ऊर्जा को नियत रखोगे तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती मिलेगा किसके, एम के। तो बच्चों ये सूत्र आपका तब काम में आएगा जब अपन को क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा दी गई है, तब अपन क्या करेंगे इस सूत्र का यूज लेंगे। दूसरा देखो बच्चों, इस गतिज ऊर्जा के रूप में ये जो सूत्र आया आपका, इसी के दो पार्ट है आपके पास। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है आवेशित कणों के लिए। यानी देखो बच्चों अपन ने ऊपर हेडिंग लिखी है कि विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों की तरंग दैर्ध्य के सूत्र आपके पास। अब उसमें अपन ने ये जो सूत्र है इस सूत्र को किस रूप में निरूपित किया, गतिज ऊर्जा के रूप में। अब आपकी गतिज ऊर्जा है वो दो तरीके से दी जाती है, एक आवेशित कणों को और दूसरा अनावेशित कणों को। तो आप पहले लिख रहे हो आवेशित कणों के लिए, तो आप लिख सकते हो यहां से आवेशित कणों के लिए, यानी कि किसी क्यू आवेश के कण को वी विभव से त्वरित करने पर, यानी कि आपके पास कोई कण है जिसका आवेश कितना है, क्यू है, और उसको कितना विभव दिया, वी विभव दिया। तो अपन यहां से लिख सकते हैं कि उसको गतिज ऊर्जा के ई जो मिलेगी वो किसके बराबर मिलेगी, क्यू वी के बराबर। बच्चों आपको पढ़ाया जाता है कि आपका जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है कि किसी भी कण के वेग में परिवर्तन के लिए जो कार्य करते हैं वही कार्य किसके रूप में मिलता है, गतिज ऊर्जा के रूप में। अब अगर आप किसी आवेश q पर विभव v लगाओगे तो उसका वेग परिवर्तित होगा, और वेग परिवर्तित होगा तो उसकी जो गतिज ऊर्जा मिलेगी वो किसके बराबर होगी, qv के। और ये qv का मान आप यहां रखते हो तो देखो बच्चों आपके पास जो लैम्डा है वो क्या निकल कर आता है, h अपॉन में अंडर रूट 2 एम qv के बराबर निकल कर आता है। तो देखो बच्चों ये आपका जो सूत्र आया है ये किन के लिए आया है, आवेशित कणों को त्वरित करने पर उससे संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य। मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि जब भी आप किसी कण को क्या करोगे, त्वरित करोगे, तो त्वरित करने पर उस कण को क्या मिलेगा, वेग मिलेगा या त्वरण मिलेगा, त्वरण के कारण उसका वेग क्या होगा, परिवर्तित होगा, और वेग परिवर्तित होगा तो आप ये कह सकते हो कि उसकी गतिज ऊर्जा परिवर्तित होगी, और गतिज ऊर्जा परिवर्तित होने पर यह कहा जा सकता है आपके पास कि आपका जो गतिज ऊर्जा का मान है वो क्यूबी के बराबर होगा। और ये क्यूबी अपन यहां रखते हैं तो लैम्डा का सूत्र निकल कर आता है एच अपॉन में अंडर रूट 2 एम क्यूबी के बराबर। बच्चों ये तो आपके पास फर्स्ट पॉइंट था, ऐसे ही सेकेंड पॉइंट आता आपका अनावेशित कणों के लिए, यानी कि अगर आपका कण है उस पे आवेश नहीं है
पर आवेश नहीं है तो अपन ये वाला सूत्र तो काम नहीं ले सकते, तो इसके लिए अपन को कोई दूसरा सूत्र काम में लेना पड़ेगा। और दूसरा सूत्र काम में लेंगे तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको कराते हैं ये। अब देखो बच्चों, अपना सेकंड पॉइंट है अनावेशित कणों के लिए, तो आपको याद रखना है कि अनावेशित कणों में न्यूट्रॉन हो सकता है या कोई गैस का परमाणु हो सकता है आपके पास। तो आप कह सकते हो कि किसी ताप टी पर किसी गैसीय परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा, ये अपन बच्चों क्या करते हैं इलेवेंथ क्लास में पढ़ के आते हैं, और वहां आपको पढ़ाया जाता है कि के ई बराबर है ये आपका 3/2 के टी के बराबर होता है, जहां आपका ये जो के होता है इस के को नाम दिया जाता है आपका बोल्ट्जमान नियतांक, और इस बोल्ट्जमान नियतांक का जो मान होता है वो होता है 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन। ये के है आपका केल्विन है मात्रक है बच्चों आपके पास। तो अभी अपन पढ़ के आए कि आपका जो लैम्डा है वो आपका एच अपॉन में √2mke के बराबर होता है। ये के ई का मान अगर अपन यहां रखते हैं तो बच्चों आपके पास सूत्र निकल कर आता है एच अपॉन में 2m, और के ई की जगह लिख दो आप 3/2 kT, 2 से 2 तो कट गया आपका, और यहां से फॉर्मूला बन गया एच अपॉन में √3mke के बराबर। तो बच्चों यहां से आपके पास जो लैम्डा निकल कर आया वो एच अपॉन में √3mke के बराबर आया। तो बच्चों ये वाला जो सूत्र है वो किन के लिए लागू होगा आपका अनावेशित गतिशील कणों से संबंध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य आपका। अब देखो बच्चों इसी में अगर मैं क्या करता हूं न्यूट्रॉन लेता हूं, जैसे न्यूट्रॉन के लिए, तो न्यूट्रॉन के लिए मैं ये जो सूत्र है वो ऐसे लिख सकता हूं लैम्डा एन इज इक्वल टू एच अपॉन में √3mnkT। अब देखो बच्चों आप इसमें क्या जानते हो एच इज इक्वल टू 6.63 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड जानते हो, एम एन है वो नियरली इक्वल टू होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg, के आपका जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपकी 1.38 × 10⁻²³ जूल पर केल्विन हो गया। यानी बच्चों आपने क्या किया यहाँ पे एच का मान रखा, एम एन का मान रखा, और तीसरा आपने किसका मान रख दिया के का मान रख दिया। ये सब मान रख के अगर अपन सोल्व करते हैं तो आपका जो लैम्डा एन निकल कर आता है वो 25.2 अपॉन में √T एंगस्ट्रॉम के बराबर निकल कर आता है आपका। तो ये बच्चों आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया न्यूट्रॉन की किसी ताप टी पर तरंग दैर्ध्य निकालने का सूत्र आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें, तो इसका नोट कर लीजिए एक बार। अब देखो बच्चों अपने पॉइंट है, इस पॉइंट का न्यूमेरिकल में बहुत यूज आता है तो वो देखेंगे। वी वोल्ट से त्वरित किसी कण से संबंध तरंग की तरंग दैर्ध्य का ये सूत्र निकाल चुके हैं। अभी सूत्र को
अपन अलग अलग कणों के लिए क्या कर रहे हैं, प्रतिपादित कर रहे हैं। तो अलग अलग कणों में आपका पहला कण है वो है इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि ये वाला जो सूत्र है वो इलेक्ट्रॉन के लिए किस तरीके से निकाला जा सकता है वो देख रहे हैं। तो बच्चों देखो, इस सूत्र को अपन इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य लैम्डा ई लिख दी, और ये लिखी जा सकती है एच अपॉन में अंडर रूट टू एम इलेक्ट्रॉन क्यू इलेक्ट्रॉन और वी इलेक्ट्रॉन। आपके पास क्या किया बच्चों, आपने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का विभव कर दिया। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो एम ई होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है ये बच्चों होता है आपका 9.1 इंटू 10^-31 केजी के बराबर। ऐसे आपका क्यू ई है ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और ये आपका 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम के इक्वल होता है। एच आपका प्लांक नियतांक होता है, और इस प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है, एच क्या होता है आपका प्लांक नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड। आपका VE की जगह अपन बच्चों VE रहने दे रहे हैं, तो यहां से आपका जो लैम्डा ई निकल कर आएगा, ये सब डेटा पुट करने के बाद में ये आएगा 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी इंटू 10^-10 मीटर। और बच्चों इसकी जगह अपन लिख सकते हैं एंगस्ट्रॉम, तो यहां से आपका फॉर्मूला हो गया 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों देखो, ये फॉर्मूला जो आपके पास फाइनल में आ गया, ये आपके पास न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा। मान लो आपको ये दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से त्वरित किया जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य बताइए, तो यहां 100 रख दो। ये कहा जाए कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर 200 वोल्ट से त्वरित किया जाए तो उसकी तरंग दैर्ध्य बताइए, तो यहां 200 रख दो। तो पहला तो आया इलेक्ट्रॉन के लिए, ऐसे बच्चों आप दूसरा लिख सकते हो प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन के लिए अगर आप बच्चों लिखोगे ये फॉर्मूला, तो आप यहां से ये लिख सकते हो कि सर हम लैम्डा पी इक्वल टू यहां पे लिख सकते हैं एच अपॉन में अंडर रूट टू एम पी क्यू पी वी पी। अब यहां पे भी वही लिखो, एम पी का मीनिंग हो गया आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान आपका 1.67 इंटू 10^-27 केजी होता है। ऐसे ही आप लिखोगे क्यू पी, क्यू पी का मीनिंग हो गया आपका प्रोटॉन का आवेश, और प्रोटॉन का आवेश आप यहां रखोगे वो 1.6 इंटू 10^-19 कूलाम। एच आपका वही है प्लांक नियतांक जिसको 6.63 इंटू 10^-34 जूल इंटू सेकेंड लिख सकते हो। ये मान अगर रखा जाए तो लैम्डा पी निकल कर आता है 0.286 अपॉन में अंडर रूट वी पी इंटू 10^-10 मीटर। इसी को आप लिख सकते हो 0.286 अपॉन में वी पी, और ये आपका किस में आ जाता है आंसर में, एंगस्ट्रॉम में। तो बच्चों आपका सेकंड कण क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। ऐसे ही अगर आप बात करोगे तो आपके लिए एक और कण परिभाषित होता है जिसको नाम दिया जाता है अल्फा कण के लिए।
और बच्चों ध्यान रखना, आपका जो अल्फा कण होता है ये होता है 2He4, यानी कि जो आपका हीलियम नाभिक है उस हीलियम नाभिक को अपन क्या नाम देते हैं, अल्फा कण का नाम देते हैं आपके पास। और ये जो हीलियम नाभिक आएगा आपके पास, इसके लिए आप लिखोगे लैम्डा अल्फा इक्वस टू एच अपॉन में अंडर रूट टू एम अल्फा क्यू अल्फा वी अल्फा। देखो बच्चों, एम अल्फा है वो आपका 4 MP के बराबर होता है। 4 MP का मीनिंग प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है, 4 गुना होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 4 × 1.67 × 10⁻²⁷ kg। ऐसे ही क्यू अल्फा है वो 2 QP के इक्वल होता है, जिसको 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम लिख सकते हैं अपन। ये बच्चों आपका द्रव्यमान किसका, अल्फा कण का। और दूसरा आपके पास क्या करना है कि अल्फा कण का आवेश होता है जो प्रोटॉन से इस तरीके से संबंधित होता है, और एच आपका वही 6.63 × 10⁻¾ joule/s। अब ये तीनों मान रखकर अगर बच्चों आप सोल्व करोगे तो लैम्डा अल्फा है वो निकल कर आएगा आपके पास 0.101 upon में V अल्फा into 10⁻¹⁰ m, या 0.101 upon में V अल्फा ये अंगस्ट्रोम में। तो बच्चों ये आपके पास किसके, तीसरे कण की तरंग दैर्ध्य का सूत्र आ गया आपके पास। ऐसे ही आपका एक और कण की बात होती है बच्चों, ये तीसरा कण था, एक चौथा कण आपका ड्यूट्रॉन, और आपका ड्यूट्रॉन होता है 1H2, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन के समस्थानिक में एक समस्थानिक ड्यूट्रॉन होता है। उसके लिए अगर आप बात करोगे तो इसके लिए अपन ये सूत्र लिख सकते हैं आपका लैम्डा डी इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट टू एम डी क्यू डी और बी डी। देखो बच्चों, एम डी का मीनिंग है आपका ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, क्यू डी का मीनिंग है आपका इलेक्ट्रॉन का और ड्यूट्रॉन का आपका आवेश, और तीसरा आपके पास वी डी का मीनिंग है विभव। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका जो एम डी है वो तो होता 2 MP के इक्वल, यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 2 गुना होता है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 × 1.67 × 10⁻²⁷ kg के बराबर आपके पास। और दूसरा आपका क्यू डी लिखोगे, ये क्यू प्रोटॉन के बराबर होता है, ये 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। एच आपका वही रहने वाला है 6.63 × 10⁻¾ joule/s। बच्चों ये सब मान रखकर सॉल्व करते तो लैम्डा डी बराबर निकल कर आता है 0.202 upon V × 10⁻¹⁰ m, या 0.202 upon √V, और ये एंगस्ट्रॉम में आ गया। तो देखो बच्चों, आपको किसी भी कण का नाम दिया जाए, अगर आपको कहे कि उनकी तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, अगर उनको V वोल्ट से त्वरित किया जाए तो उनकी तरंग दैर्ध्य की गणना करने के लिए सिंपली जब भी विभव का नाम दे तो आपको ये दिमाग में रखना है। अब ये दिमाग में रखने के बाद में आपको देखना है कण का नाम क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, अल्फा कण दे रहा है, या न्यूट्रॉन दे रहा है। जैसे कण का नाम दिया जाए वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, उसका मान निकाल सकते हैं। आपके पास कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे बेस में आपको एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करा देता हूं। अब देखो बच्चों, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी अपन पढ़ के आए हैं उन्हीं पे बेस्ड है।
इसमें आपकी सबसे पहली सैंपल प्रॉब्लम है जिसका अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं। सॉल्यूशन देखने से पहले अपन प्रॉब्लम को समझते हैं कि 10 केवी से त्वरित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखो बच्चों, आपको एक तो विभव का मान दिया गया है, V का मीनिंग वोल्ट और K का मीनिंग किलो वोल्ट, और दूसरा आपको कणों के नाम दिए गए हैं। तो अभी अपन पढ़ के आए हैं कि आपका जो लेमडा ई होता है वो तो 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम होता है। ऐसे ही आपका जो लेमडा पी है वो 0.286 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम होता है, और तीसरा आपका जो लेमडा अल्फा है वो 0.101 अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो यहाँ वी ई लिख दो, यहाँ वी पी लिख दो और वी अल्फा लिख दो। बच्चों ये सूत्र अभी अपन पढ़ के आए हैं, और अगर आप देखोगे तो यहां से कह सकते हो कि प्रश्नानुसार, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें वी ई बराबर गिवन है, वी पी बराबर गिवन है, वी अल्फा और तीनों का मान 10 केवी गिवन है। इसको बच्चों आप ये लिख सकते हो 10 × 10⁻³ वोल्ट, यानी कि ये आपको गिवन है 10,000 वोल्ट आपका। ये बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको लेमडा ई निकालना है तो आप लिखोगे 12.27 अपॉन में अंडर रूट 10,000 आपका ये एंगस्ट्रॉम में। ऐसे ही लेमडा पी निकालेंगे तो 0.286 अपॉन में 10,000 ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। ऐसे ही लेमडा अल्फा निकालेंगे तो 0.101 अपॉन में 10,000 का अंडर रूट, और ये भी एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब देखो बच्चों 10,000 का जो रूट है वो क्या हो जाएगा, आपके पास 100 हो जाएगा, 100 को ऊपर लेकर जाएंगे तो 10⁻² हो जाएगा। तो यहां से तो आपका 12.27 × 10⁻² एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यहां से आपका है वो 0.286 × 10⁻² एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, और यहां से 0.101 × 10⁻² एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो बच्चों आपको क्या करना है कि ये फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो क्वेश्चन में गिवन डेटा के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आपकी ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन था, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको सेकेंड प्रॉब्लम सोल्व करवाऊं। अब देखो बच्चों सेकेंड प्रॉब्लम पढ़ो कि समान विभवांतर से त्वरित अल्फा कण व प्रोटॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकालिए। तो देखो बच्चों आपको निकालना लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा पी है, इनका अनुपात निकालना है जब आपका वी अल्फा है वो बराबर हो वी पी के, और इन दोनों को क्या मान लिया जाए, एक्स मान लिया जाए। तो बच्चों इसके दो तरीके हैं, मेथड फर्स्ट और ये मेथड सेकंड। मेथड सेकंड सिंपल है आपका, लेमडा अल्फा है वो 0.101 अपॉन में अंडर रूट बी अल्फा, ये एंगस्ट्रॉम में है, और ऐसे लेमडा पी है वो 0.286 अपॉन में अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम है आपके पास। ये दोनों का अनुपात पूछा है तो दोनों को डिवाइड करते हैं, लेमडा अल्फा अपॉन लेमडा पी 0.101 अपॉन में अंडर रूट वी अल्फा अपॉन में 0.286 अपॉन में अंडर रूट वी पी। अब देखो बच्चों ये दोनों इक्वल गिवन है तो ये कट गए, और यहां से आपका रेशियो 101 अपॉन में 286 आ गया आपके पास।
ये तो आपका फर्स्ट मेथड है, सॉरी सेकंड मेथड है, जो सिंपल है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप पढ़ चुके हो कि लैम्डा अल्फा का फॉर्मूला ये होता है और लैम्डा पी का फॉर्मूला ये होता है। क्वेश्चन में विभवांतर गिवन है, इसलिए अपन ने कौन सा फॉर्मूला लिखा, विभवांतर का फॉर्मूला लिखा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहां फर्स्ट मेथड अगर देखा जाए कि आपका फर्स्ट मेथड क्या है, तो फर्स्ट मेथड में लैम्डा इज इक्वल टू अपन जानते हैं एच अपॉन में अंडर रूट टू एम क्यू बी होता है, और इसके बेसिस पे अगर अपन ये लिखें लैम्डा अल्फा अपॉन में लैम्डा पी, तो आपके पास लैम्डा अल्फा को लिख सकते हैं एच अपॉन अंडर रूट टू एम अल्फा क्यू अल्फा बी अल्फा अपॉन में एच अंडर रूट टू एम पी क्यू पी वी पी। क्या किया बच्चों आपने, ऊपर लैम्डा अल्फा का फॉर्मूला लिख दिया और नीचे लैम्डा पी का फॉर्मूला, दोनों को डिवाइड करना, डिवाइड कर दिया। अब देखो एच ने एच को काटा, टू ने टू को काटा, वी अल्फा ने वी पी को काटा। क्यों काटा, क्योंकि ये सेम है। तब आपके पास यहां से लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी की जो वैल्यू निकल कर आई, इसको आप लिख सकते हो एम पी क्यू पी अपॉन में एम अल्फा क्यू अल्फा। देखो बच्चों क्या बच गया यहाँ पे, ये तो नीचे तो नीचे आ गया, ये ऊपर जाएगा तो आपका एम पी क्यू पी एम अल्फा क्यू अल्फा। अब इसी को बच्चों आप क्या लिख सकते हो, यहां से एम पी क्यू पी अपॉन में एम अल्फा को लिख दिया फोर एम पी, और क्यू अल्फा को लिख दिया टू क्यू पी, और यहां साइड में ये लिख सकते हो कि आपको पढ़ाया एम अल्फा इज इक्वल टू तो फोर एम पी होता है और क्यू अल्फा इज इक्वल टू टू क्यू पी होता है। यहां से एम पी से एम पी कट गया, क्यू पी से क्यू पी कट गया, और यहां से निकल कर आया वन अपॉन टू रूट टू। इसको भी आप सोल्व करोगे और इसको सोल्व करोगे तो दोनों रेशियो क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो बच्चों ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम है। अब आपको अभी तो यहाँ पे किनका रेशियो पूछा, अल्फा और प्रोटॉन का पूछा, जरूरी नहीं अल्फा और प्रोटॉन का भी पूछा जाए, किसी का भी पूछ सकता है। मेथड आपको यही अप्लाई करना है कि पहले उनके तरंग दैर्ध्य के सूत्र लिखो, अनुपात चाहिए तो दोनों को डिवाइड करो। क्वेश्चन में देखो कौन सी क्वांटिटी सेम गिवन है, उसी के बेसिस पे उसको यूज में लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखो बच्चों आपको थर्ड प्रॉब्लम गिवन है, एक इलेक्ट्रॉन एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गति ऊर्जा समान है। तो देखो बच्चों आपको गिवन है के ई ई है वो बराबर है के ई अल्फा बराबर है के ई पी, इनको तीनों को एक समान दिया गया है आपके पास, और एक समान दिया गया है तो एक्स पूछा है। अब आपको बोला किस कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम, यानी कि आपको एक तो लैम्डा मिनिमम निकालनी है और एक आपको लैम्डा मैक्सिमम बतानी है कि किन किन कणों के लिए होगी आपके पास। तो देखो बच्चों क्या दिया हुआ, गतिज ऊर्जा। तो अपन जानते हैं गतिज ऊर्जा के रूप में तरंग दैर्ध्य का सूत्र, और गतिज ऊर्जा के रूप में तरंग दैर्ध्य का सूत्र की बात करें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट टू एम के गिवन है आपको, और आप कह सकते हो कि यहां के ई है वो क्या गिवन है, एक समान गिवन है, और के ई एक समान गिवन है। तो मैंने आपको पढ़ाया कि जब के ई एक समान होगा तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो गया एम की। तो आप यहां से ये कहोगे कि एम जिनके लिए अधिक होगा यानी कि अधिकतम, उसके लिए लैम्डा है वो क्या होगी, न्यूनतम होगी, और जिसके लिए एम आपका न्यूनतम होगा उसके लिए लैम्डा है
उसका मान क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि एम ई इज इक्व टू 9.1 × 10⁻³¹ के जी, एम पी इज इक्व टू 1.67 × 10⁻²¹ के जी, और एम अल्फा इज इक्व टू 4 × 1.67 × 10⁻²¹ के जी। ये अपन को गिवन है या अपन जानते हैं। यहां से देखोगे तो आपका एम अल्फा सबसे ज्यादा है, फिर आपका एम पी, और फिर आपके पास क्या है, एम ई। यानी इन तीनों मानों को देखकर अपन ये कह सकते हैं। तो आप यहां से कह सकते हो कि सर जो लेमडा अल्फा है वो सबसे कम होगा, फिर लेमडा पी, और फिर लेमडा ई। तो यहां तो ये तो आ गई आपकी न्यूनतम। तो न्यूनतम तो किसकी हो गई, अल्फा कण की, और ये आपके पास क्या आ गई, अधिकतम। अधिकतम किसके लिए हो गई, आपके पास इलेक्ट्रॉन के लिए। तो बच्चों ये आपकी कुछ सैंपल प्रॉब्लम थी जो अपनी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य पर आधारित थी। तो बच्चों ये आपका सेकंड टॉपिक डी ब्रोगली है, वो भी खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। और इसी के साथ साथ किसी को अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों थैंक यू, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।